एक पत्र है जो एक बेटी अपने पिता को लिखती है, जो बहुत ससुराल में बहुत परेशान है और अपने पिता को एक पत्र लिखती है कि जब जब मैंने हंसना चाहा तब तब वो आकर रुला गया, जब जब मैंने हंसना चाहा तब तब वो आकर रुला गया, जीवन भर चलने वाले रिश्ते पल दो पल में भुला गया, सोचा था कोई होगा जो पीड़ा में भी अपना लेगा, सोचा था कोई होगा जो पीड़ा में भी अपना लेगा, पूरा करने की खातिर वो, पूरा करने की खातिर वो मेरा हर सपना ले लेगा, आज नहीं आंसू थमते हैं रोते मन भरता ही नहीं, किसको मन की पीड़ दिखाऊं लगता कोई सगा नहीं, आज नहीं आंसू थमते हैं रोते मन भरता ही नहीं, किसको मन की पीड़ दिखाऊं लगता कोई सगा नहीं, और जिनने मुझको जन्म दिया वो अपने हैं बेशक सच है, जिनने मुझको जन्म दिया वो अपने हैं बेशक सच है, पर उनको कड़वा सच बतलाना धरती फटने जैसा है, और जाने कितनी बार कलेजा फटा दरार न बाहर आई, इस पतझड़ जैसे जीवन में बार अनेक सुनामी आई, लेकिन कभी बसंत न आया जिसकी तकती राह रही, पपीहे का स्वाति न आया जब तक उसमें आह रही, और मैंने मन का मीत न पाया तुमने दे सर्वस्व दिया, मैंने मन का मीत न पाया तुमने दे सर्वस्व दिया, सबसे बड़ी अभागन होने का कैसा वर्चस्व दिया, और निकल नहीं सकती इसमें रहने की भी मजबूरी है, निकल नहीं सकती इसमें रहने की भी मजबूरी है, दूर रहूं तो प्राण निकलते पास रहूं तो दूरी है, दूर रहूं तो प्राण निकलते पास रहूं तो दूरी है, मैंने मन का मीत न पाया तुमने दे सर्वस्व दिया, सबसे बड़ी अभागन होने का कैसा वर्चस्व दिया।